So, hello friends, greetings of the day. My name is Mahato Shailesh Kumar, and in the previous video lecture we had discussed about our country India. Okay, and in this video lecture we are continuing that lecture. We are going to discuss about physical divisions. So let's get started. So हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी कि इंडियन ओशन कहाँ है, और बहुत सारे फिजिकल मैप देखा था, पॉलिटिकल मैप देखा था, इंडिया के नेबर्स देखे थे और बहुत सारी बातें की थी. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स, स्टैंडिंग एज अ सेंटिनेंट्स ऑन द नॉर्थ एंड लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयस. ओके, हिमालय का मतलब होता है, जिस जो हिमालय में हिम होता है उसका मतलब स्नो होता है. ओके, द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पैरेलल रेंजेस. तीनों रेंजेस पैरेलल होते हैं. इन पैरेलल रेंजेस के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में भी देखा था, और इस वीडियो लेक्चर भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो द नॉर्थ मोस्ट जो पार्ट होता है, नॉर्दर्न मोस्ट में जो ग्रेटर हिमालय होता है उसको हम हिमाद्री बोलते हैं. द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन. जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड के इसी रीजन में लोकेटेड होते हैं. मिडल हिमालय और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल नॉट प्रदेश, lies to the south of Himadri. Okay, many popular hill stations are situated here, जो कि tourist के लिए एक attraction place भी है. Shivalik is the southernmost range. The northern Indian plains, plain की बात हमने की थी कि plain एक ऐसा surface है जिस पर हम चल सकते हैं, means एक flat surface है जिस पर गाड़ियाँ चलती है, जिस पर हम चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, वो plains है. Plateaus लगभग उससे ऊँचा रहता है, plain से 20 किलोमीटर तक ऊंचा हो सकता है, वो भी एक फ्लैट सरफेस ही होता है लगभग लगभग, लेकिन प्लेटोस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइक टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. ओके, दिस आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स, द इंदूस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. दिस रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन. ओके, दैट्स वाई द रीजन फॉर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन लिव इन दिस प्लेन्स. वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. ओके, जो कि बहुत हॉट है और बहुत सैंडी स्ट्रेचली लैंड है, मतलब सैंड बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे, और बहुत ही कम वेजिटेशन है. क्यों कम वेजिटेशन है? क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे दिन भर गर्मी रहता है, ड्राई एंड हॉट ह्यूमिड कंडीशन रहता है. साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में जाएंगे तो पेनिनसुला प्लेटू वहाँ पे पाया जाता है. ओके, जो कि ट्राइंगुलर शेप में है. द रिलीफ इज हाईली वैली अरावली हिल्स ऑन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. अरावली हिल्स एक बहुत ही पुराने रेंजेस में से एक है. द विंध्यास एंड द सापुताराज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस. द रिवर नर्मदा, फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी. बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं कि बहुत सारे रिवर्स इंडिया के बहुत सारे पार्ट से निकलती है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस निकलती है और अरेबियन सी में जाके बह जाती है. वेस्टर्न घाट्स और शायद्री इज बॉर्डर टू द प्लेटू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, वाइल द घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन. बहुत सारे घाट्स ब्रोकन हैं और अनइवन भी है. जो प्लेटूज होते हैं बहुत रिच इन मिनरल्स और रिच इन मिनरल्स होते हैं, जिनके अंदर कोल और आयरन और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइन द कोस्टल प्लेन. द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो. द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर. There are number of east flowing rivers. The rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, all these rivers drain into Bay of Bengal. So these rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban delta is from where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. तो ये तो रही, हमने पढ़ लिया इसको, लेकिन अभी हमें समझाना भी है, तो हम इसको समझेंगे भी अच्छे से. तो हमने एलिवल डिपॉजिट्स की बातें की थी. अगर जो एक रॉक सरफेस है तो उस रॉक सरफेस पे थ्रू आउट द ईयर इरोजन होते रहता है, थ्रू आउट द ईयर्स. तो उसी इरोजन की वजह से, हवा की वजह से, फ्लड की वजह से, उससे मिनरल्स मतलब एक नदी से दूसरी नदी डिपॉजिट होते रहते हैं, तो उसको हम डिपॉजिट्स बोलते हैं. ट्रिब्यूटरी की बात हमने की थी कि मेन नदी से बहुत सारी नदी आके जुड़ जाती है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं. आइए इस फिजिकल मैप में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले ऊपर से डिस्कस करते हैं कि ये इस चीज़ से डिस्कस करते हैं. देख सकते हैं कि इंदस रिवर जो है, मान लीजिए कि इंदस रिवर हमारा मेन रिवर है, मान लीजिए कि इंदस रिवर हमारा मेन रिवर है. देखिए, ये इंदस रिवर है जो हमारा मेन रिवर है,
और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, झेलम है, चेनाब है, रवि है, सतलज है, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो कि इंडिया से ही फ्लो होते हैं और पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, और पाकिस्तान से होते होते गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ कच्छ से होते होते अरेबियन सी में जाके बह जाते हैं। ग्रेटर हिमालयस की बात हमने की थी, तो सबसे जो ऊपर वाला बॉर्डर है ये वाला, दिस बॉर्डर जो कि एक ब्राउन कलर की पेन से शो किया गया है, वो ग्रेटर हिमालयस है जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं। बीच में भी एक मिडिल हिमालयस होता है, और जो लोअर हिमालयस को हम शिवालिक बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के हिमालय यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि इनके रेंजेस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये बहुत ही बड़े बड़े पीक्स के लिए मशहूर हैं ऐसे सब रेंजेस। ओके, गंगा रिवर की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा गंगा रिवर है, ये हमारा गंगा रिवर ऐसे ऐसे आ रहा है, और इसके साथ यमुना, इसकी ट्रिब्यूटरी समझ लीजिए, चंबल भी इसमें आके कभी कभी जुड़ जाता है, और बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स आके इसमें साथ जुड़ जाती है। सिमिलरली गंगा के साथ एक और मेन रिवर आके जुड़ता है जो कि ब्रह्मपुत्र है, और दोनों जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं, मीन्स बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो बात रही है गंगा की। गंगा के अलावा हमने वेस्ट में बोला था कि वेस्ट में हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है, कि जो कि राजस्थान के अगल बगल है, कुछ पार्ट्स उसका गुजरात में भी आता है। वहीं पे अरावली रेंज भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, दिस अरावली रेंज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। जो भी ग्रीन कलर से शो किया गया वो हमारा प्लेन्स है, जो भी येल्लो कलर से शो किया गया वो हमारा प्लेटू रीजन है, और जो भी ब्राउन कलर से रीजन शो किया गया वो हमारा माउंटेन रीजन है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर और बहुत सारे नॉर्थ के स्टेट्स भी हमारे माउंटेन्स के लिए फेमस हैं। सिमिलरली अब अगर जो वेस्ट के साउथ में जाते हैं, तो देखिए वेस्टर्न घाट्स आपको देखने मिलता है जो कि कोस्टल एरियाज़ के आसपास है, वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलता है। और एक और बात, बहुत सारी एलिवेल डिपॉजिट्स हमें बे ऑफ बंगाल के आसपास यहीं पे इस साइड में मिलती है, बहुत सारी एलिवेल डिपॉजिट्स, बिकॉज इस साइड उतना ना मिलने का ये माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस भी शॉर्ट है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता, और डायरेक्ट इसका जो पानी रहता है, डिपॉजिट्स जो करके आते हैं बहुत दूर दूर से रिवर, जाके अरेबियन सी में डायरेक्ट गिर जाता है। तो उतना एलिवेल डिपॉजिट यहाँ पे नहीं देखा जाता, वेस्टर्न घाट में उतना नहीं देखा जाता जितना नॉर्थ पार्ट्स में देखा जाता है। और बात करते हैं गोदावरी रिवर के, जो कि एक प्लेटू रीजन से ही मतलब निकलता है। देखिए गोदावरी रिवर है जैसे कि आप देख सकते हैं, सिमिलरली कृष्णा रिवर है, फिर ये नीलगिरी है, कावेरी रिवर है, जो कि कोस्टल एरियाज़ में हमारे पाया जाता है, और इसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ये वाला हमारा कोस्टल एरियाज़ है। सिमिलरली और कुछ रिवर्स की बात करें तो हमारी महानदी रिवर है, देख लीजिए ये हमारी महानदी रिवर है। सिमिलरली सापुतारा रेंज में आपको नर्मदा रिवर भी जाते हुए दिखेगा, और गुजरात के नीचे जो गल्फ है उसको हम गल्फ ऑफ खंबाट बोलते हैं। सिमिलरली ये जो ऐसा शेप बना है शेर के मुंह जैसा, और इस शेर के मुंह जैसा जो शेप बना है, इस तरह का शेप, ये जो गल्फ है बीच में उसको हम गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल्फ है, और बहुत सारे मतलब जो भी शिप्स आती हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट शिप्स, जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए शिप्स दुबई और बहुत सारी कंट्रीज से आती हैं, वो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबाट में रुकती हैं, और यहाँ से भी बहुत सारी शिप्स यहाँ पे भी रुकती हैं, ये हैदराबाद साइड, यहाँ पे भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं, इस पिक्चर में आप कोरल आइलैंड्स देख सकते हैं। तो जो कोरल आइलैंड्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमें पता है कोरल आइलैंड है ना, बोन से बने रहते हैं, मतलब बोन्स मतलब हड्डियों से बने रहते हैं। किनकी हड्डियों से बने रहते हैं, जो कि एनिमल्स जो मर जाते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं आइलैंड्स पे, आइलैंड्स के साइड में, और कुछ कोरल आइलैंड्स जैसा एक फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लड आया हुआ है और बहुत सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे लेके भी जा रहा है, सुनामी भी उसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत किलर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। बात करते हैं कि टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि ऑल्सो फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी हमने बात की थी, जो इंडिया के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में है, साउथ साइड के अंदर है, लक्षद्वीप आइलैंड जो हमने देखा था जो कि अरेबियन सी के साइड में है, और कोरल आइलैंड जो कि कोस्ट ऑफ केरला पे लोकेटेड है। अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडिया।
एक बार मैं फिर आपको वो आइलैंड्स दिखा देता हूँ अपने मैप में। ओके, ये तो फिजिकल इंडिया का मैप है, ये पॉलिटिकल वाला मैप है। या देख लीजिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारी अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहीं पे लक्षद्वीप आइलैंड है, इसके बाजू में एक ब्रैकेट में इंडिया भी लिखा है बिकॉज ये इंडिया का है, मालदीव्स आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो इंडिया और श्रीलंका को जो स्ट्रेट जोड़ता है उसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। इस बात को आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ न्यू नॉलेज। ओके, बाय बाय।